हेलो स्टूडेंट्स, मैं हुकुम सिंह नाथावत, प्राविधिक पॉलिटेक्निक कॉलेज अलवर से आज आपके सामने फिर अपना चौथा वीडियो लेके आया हूँ फिटिंग टूल सीरीज में। आज मैं आपको फिटिंग टूल्स में फाइल्स के बारे में पूरा परिचय, उनका मटेरियल, उनका प्रकार और उनका यूजेज योग बताऊँगा। स्टूडेंट्स, फाइल को हिंदी में रेंती भी बोलते हैं और इसका आपका इंट्रोडक्शन कराऊं कि फाइल एक प्रकार का कटिंग टूल है जिसका प्रयोग जॉब पे अनावश्यक धातु को हटाने के लिए काम में लिया जाता है। इसके द्वारा बहुत ही कम धातु काटी जाती है और छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में, कणों के रूप में वो धातु कटती है। फाइल का प्रयोग करने के लिए प्राय जॉब की सरफेस पे उसको आगे और पीछे करना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है, यानी इसको फाइल रबिंग एक्शन पे फाइल कार्य करती है और इसको इंग्लिश में फाइलिंग ऑपरेशन कहते हैं। फाइल का मुख्य उपयोग जो है जॉब की शुद्ध माप बनाने के लिए किया जाता है। फाइलिंग के लिए जो अलाउंस बहुत कम रखा जाता है, प्राय 0.025 mm से लेके 0.5 mm तक रखा जाता है और फाइलिंग कार्य क्रिया के द्वारा जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को 0.05 से लेके 0.2 mm तक परिशुद्ध एक्यूरेट बनाया जा सकता है। अब इसके किस चीज़ की बनी होती है फाइल, ये बताता हूँ आपको मटेरियल कि ये अधिकतर हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। हाई कार्बन स्टील की बनाकर इसको हार्ड और टेम्पर, इसकी पूरी बॉडी को हार्ड और टेम्पर कर दिया जाता है, लेकिन पूरी बॉडी में भी टैंक को सॉफ्ट रखा जाता है। टैंक मतलब जिसमें पीछे हैंडल लगता है उसको टैंक बोलते हैं, उसको सॉफ्ट रखा जाता है ताकि हैंडल लगाते समय वो टूटे नहीं, क्योंकि फाइल को हार्ड और टेम्पर करने के बाद में वो उसमें एक अवगुण आ जाता है, भंगुरता का, ब्रिटलनेस जिसको बोलते हैं, भंगुरता। तो यदि अपन उसको गिरा देंगे या उस पर चोट मारेंगे तो वो टूट सकती है, इस वजह से टैंक को सॉफ्ट रखा जाता है। अब अपन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल्स देखेंगे, रेतियों का वर्गीकरण। इसमें चार तरह से उनका क्लासिफाई करेंगे अपन। इसमें फर्स्ट रहेगा अपना अकॉर्डिंग लेंथ, दूसरा रहेगा अकॉर्डिंग साइज शेप सॉरी एंड थर्ड अकॉर्डिंग ग्रेड एंड फोर्थ अकॉर्डिंग कट। अब मैं आपको अकॉर्डिंग लेंथ बताता हूँ कि सबसे पहले तो लेंथ ऑफ फाइल बताता हूँ आपको कि फाइल की लेंथ, नीचे आपको दिख रही है फाइल, उसमें हील या शोल्डर जिसको बोलते हैं, शोल्डर से लेके पॉइंट तक इसकी फाइल की लंबाई ली जाती है, टैंक को इसमें काउंट नहीं किया जाता है। तो इसके अनुसार फाइल का साइज जनरली 100 mm से लेके 200, 300 और 400 mm तक मैक्सिमम लेते हैं इसका, और इंचेज में देखें तो 4 इंच से लेके 4, 6, 8, 10, 12 और 14 इंच तक अपन इसको काम में लेते हैं। तो ये अकॉर्डिंग लेंथ आपने देख ली। अब मैं आपको बताता हूँ अकॉर्डिंग शेप, शेप का मतलब आकृति के अनुसार। उससे पहले मैं आपको थोड़ी फाइल का ड्राइंग बता के आपको थोड़ा परिचय देता हूँ उसकी। ये देखिए आपके सामने ड्राइंग दिख रही है, इसको मैं इंगित करके बताता हूँ कि इसमें लिखा हुआ भी है लास्ट में ये जो है पॉइंट,
ये फाइल का फेस है, ये एज, एज मतलब फाइल की किनौर, और ये इसकी हील या शोल्डर भी बोलते हैं इसको, और ये इसका टैंक जिसमें कि लकड़ी का या एल्युमिनियम का हैंडल लगाया जाता है। इस पर आपको अभी ड्राइंग दिख रही है तो पहले ही बता देता हूँ कि इस पर देखो आप दांते कटे हुए हैं, टीथ जिनको बोलते हैं। इसमें शुरू में आप देखेंगे ये टीथ दिख रहे हैं आपको, ये सिंगल टीथ है, आगे जाके ये डबल हो जाता है। तो सिंगल टीथ और डबल टीथ इसका भी आपको आगे कट के अनुसार में आएगा। तो ये इस तरह से फाइल का चित्र देखा आपने, और आपने जनरली फाइल देखी है। अब मैं आपको टाइप्स ऑफ फाइल भी बताऊंगा आगे। ये देखिए, आपको पहले मैं ड्राइंग दिखा देता हूँ। ये तरह तरह की फाइलें हैं, इसमें अकॉर्डिंग शेप, कोई स्क्वायर होती है, कोई ट्रेंगुलर होती हैं, है ना। तो ये आपको फाइलें, और इनमें सब में टैंग है, टैंग में हैंडल लगा के ही फाइल का यूज किया जाता है। और ये अकॉर्डिंग उनके क्रॉस सेक्शन के अनुसार देखिए आप कि सामने ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये इनके फाइलों के क्रॉस सेक्शन हैं। जैसे कि ट्रायंगुलर है तो ये ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन हो गया, और स्क्वायर है तो ये क्रॉस सेक्शन स्क्वायर हो गया, यदि राउंड फाइल है तो इसका ये गोल हो गया क्रॉस सेक्शन, हाफ राउंड है तो ये हाफ राउंड हो गया। इस तरह से ये आपको मैं थोड़ा चित्रों के द्वारा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आपको मैं बताता हूँ कि अकॉर्डिंग शेप फाइलें कौन कौन सी होती हैं। इनमें देखो फ्लैट फाइल हो गई, हाफ राउंड फाइल, स्क्वायर फाइल, ट्रायंगुलर फाइल, हैंड फाइल और नाइफ एज फाइल। नाइफ एज का मतलब जैसे उस्तरा होता था पहले, आपने अभी देख, आजकल तो देख नहीं पाते हो, उस तरह की नाइफ, चाकू के आकार की मतलब एक फाइल होती है जो टेपर होती है। इस तरह से ये आपके अकॉर्डिंग फाइलें हो गई है। अब आपको अकॉर्डिंग ग्रेड बताता हूँ। अकॉर्डिंग ग्रेड में फाइलें आती है आपकी, छह तरह की फाइलें आती हैं, एक रफ, एक बास्टर्ड, एक सेकंड कट, एक स्मूथ, एक डेड स्मूथ और सुपर स्मूथ। अब इसमें आपको मैं ग्रेड का परिचय दे दूं पहले कि ग्रेड क्या होती है। ग्रेड होती है कि जो फाइल पे टीपीआई कटी होती है, टीपीआई मतलब टीथ पर इंच, एक इंच में कितने दांते हैं, कितने दांतों की जो संख्या है उस पे ग्रेड का निर्धारण होता है। भिन्न भिन्न फाइलों की लंबाई के अनुसार इनमें दांतों की संख्या को अलग अलग तरह से स्टैंडर्ड तरीके से इनको, जो मैं आपको सामने जो सारणी नज़र आ रही है इसमें देखिए आप, ग्रेड ऑफ कट इन फाइल एज पर ISI, इसमें कट का प्रकार हो गया रफ, बास्टर्ड, सेकंड कट, स्मूथ, डेड स्मूथ, सुपर स्मूथ। इसमें ऊपर दे रखा है फाइल की साइज 100 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm, 400 mm एंड 450 mm। उसी के दांतों की जो 10 mm में दांते, 10 mm में दांतों की जो संख्या होती है वो आपको दर्शाई हुई है कि रफ में 100 mm की फाइल में, फाइल जो लंबाई होती है उसमें 10 दांते होंगे, 150 वाले में 18 होंगे, 200 वाले में 71 होंगे, 250 वाले में 63 होंगे, 300 वाले में 55 होंगे, फिर 53 हो जाएंगे, 48 हो जाएंगे और 45 हो जाएंगे। ये इस तरह से इनको एक ISI ने स्टैंडर्ड बना रखा है, उसके हिसाब से कंपनी इनका निर्माण करती है। सेकंड बास्टर्ड, उसमें आप 100 mm की फाइल का, फाइल में जो 10 mm में, 10 mm का मतलब समझ रहे हैं आप, एक सेंटीमीटर में 18 दांते कटे होते हैं,
150 वाले में 13, 200 वाले में 11। आप, मैं ये अटैच कर रहा हूँ, आप इसको सारणी को अच्छी तरह से देख लीजिएगा। अब मैं आता हूँ, आप समझ गए अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग कट मैंने आपको बता दिया है, फाइल रफ, बास्टर्ड, स्मूथ, डेड स्मूथ और सुपर स्मूथ। ये जैसी आवश्यकता होती है कि यदि आपको ज़्यादा मटेरियल काटना है तो रफ़ और बास्टर्ड फाइल का यूज़ करेंगे अपन, और जो जो अपन फिनिशिंग और एक्यूरेसी का काम करेंगे, कम मात्रा में मटेरियल काटना हो, घिसना हो, तो उसके लिए अपन स्मूथ और डेड स्मूथ और सुपर स्मूथ फाइलों का यूज करेंगे। अब मैं फाइलों के, स्पेशल फाइलें भी होती हैं जो स्पेशल वर्क में ही काम में ली जाती हैं, इन फाइलों के आपको ये साथ अटैच कर रहा हूँ, इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लेना। साथ में आपको मैं नाम बता देता हूँ इनके, कि पिलर फाइल, वार्डिंग फाइल, स्विस या स्विस पैटर्न फाइल, नीडल फाइल, डाई सिंकर्स फाइल, डाई सिंकर्स रिफलर, सेटिंग फाइल्स, मील फाइल, प्रानिंग सा मील फाइल, फाइल वेब सा फाइल, क्रॉस कट फाइल, कैंट फाइल, रोटरी और रोटरी फाइल और बर्स। ये इस तरह के आपको 13 फाइलें मैंने आप स्पेशल बताई है, जो इनका स्पेशल कामों में होता है। जैसे सॉफ्ट धातु होती हैं, उनको घिसने में भी, जैसे सुनार वगैरह काम में लेते हैं, गोल्ड स्मिथ वगैरह, तो उनके लिए भी फाइलें होती हैं, लेकिन वो निडल फाइलें होती हैं और छोटी छोटी फाइलें होती हैं। आपने घड़ी साज के पास भी देखी होगी छोटी छोटी फाइलें। तो इस तरह से एक फिटिंग शॉप का मुख्य जो टूल है वो फाइल है रहती, जिसके द्वारा किसी भी जॉब को अपन ड्राइंग के अनुसार अच्छी तरह शेप देते हैं फाइल करके एक्यूरेसी में। और शुरू में आपको प्रैक्टिकल में ये सिखाया भी जाता है कि अपन फाइलिंग कैसे करें। ठीक है, आज का ये टॉपिक मैं यहीं समाप्त करते हुए आप सबको धन्यवाद।